अस्सलाम वालेकुम, कैसे सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज हम नए ब्लॉग के साथ आप लोगों के लिए फिर एक दफा हाजिर हो गए हैं। और आज कुछ सीन ऐसा है कि जैसे थोड़ा थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है, तो आज हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम लोग फिश का बारबेक्यू किया जाए। और ये मेरे साथ शाजी मौजूद है। क्या हाल है शाजी आपका? खैरियत है? यहाँ देखे जरा भाई, कैसे है? खैरियत है? जो चटनी बना रहे हैं, जो आप सोचते हो कि चटनी कैसे बनती है उसको बना रहे हैं भाई। ये कौन सी चटनी होगी? इमली की चटनी होती है? ये खाली इमली का नाम नहीं होता है, ठीक है, लहसुन होता है, जीरा होता है, लाल मिर्च होती है, नमक रायता होता है, प्लस इमली होती है, उसमें से बनाई जाती है। फिर खाए, चेक करे और जायका, इंशाल्लाह जायका नमक भी डाला जाता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आज हम लोग एंजॉय करेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारी चटनी तैयार हो रही है। इमाम दस्ते में ग्राइंडिंग में तैयार नहीं होती, इमाम दस्ते में तैयार हो जाती है। इमाम दस्ते में तैयार होती है, ठीक है। तो उसके लिए सामान ये हमारी इमली आ गई, ये मिर्ची आ गई, और ये आप लहसुन आ गया, जीरा आ गया, ये सारा सामान देख सकते हैं। लहसुन है, नमक है, ठीक है। और ये हमारे शाह साहब का बिस्किट, शाह साहब केक भी रखा हुआ है आपने, फुल तैयारी के साथ बैठे है। चलो, ये मुजफ्फर है। मुजफ्फर क्या हाल है? ठीक हो भाई? हमारा खैरियत है। क्या सीन है? बस लेडी चला रहे हैं, जल्दी कर लो यार, भूख लग रही है। तो क्या सीन है, ग्रिल का सीन पर ऑन है? जी, ग्रिल भी बस आपके सामने ही है। चलो बस इंशाल्लाह। तो गाइस फाइनली आप लोग देख सकते हैं, ये हमारी फिश है, ठीक है। और उसमें डिफरेंट टाइप की फिशेज हैं, सुरमा भी है और पापलेट भी है और काफ़ी सारी मजीद ऐसी फिशेज हैं। इसमें कौन कौन सी फिशेज हैं? सुरमाई है, पापलेट है, और इसमें सुरमाई है, ठीक है, कुकड़ है, ठीक है, और सारम है, ठीक है, मुश्का मच्छी एक नंबर, ये वाली कौन सी वाली? ये कुकड़ है, बेहतरीन, जो मेरे हाथ में पकड़ी है, जबरदस्त, ठीक है, कुकड़ के बोलते हैं, ठीक है, इसमें अंदर अंडा भी होता है, अच्छा, ठीक है। और ये सारम मच्छी है, ठीक है, और सारम एक कांटे वाली बोलते हैं, ठीक है, एक कांटा होता है इसमें, इसमें भी एक कांटा है, ठीक है। और जायके में अगर खानी है तो ये कुकड़ मच्छी खाएं, इसमें थोड़ा कांटा बारीक होता है लेकिन मजा आएगा, अच्छा, ठीक है। उसके बाद ये आ गई सुरमाई मच्छी एक नंबर, ठीक है, सुरमाई मच्छी है। अच्छा, सुरमाई भी मैंने सुना दो तरह की आती है, काली और सफेद। तीन तरह की आती है, अच्छा, लेकिन ये ब्लैक सुरमाई है, ठीक है, जो एक नंबर सुरमाई है वो अलग होती है, ठीक है, ये ब्लैक सुरमाई है, अच्छा, ठीक हो गया। उसके बाद ये चौथी मछली मुश्का एक नंबर, ठीक है, दो नंबर होगी तो वो अलग बताएगी, ये ओरिजिनल एक नंबर मुश्का है, गारंटी के साथ। जिस भाई को शक पे आना है, मस्त वेलकम, हाजिर बैठा हूँ, बताऊंगा। और बिल्कुल फ्रेश माल कुकड़, ठीक है, सारा मछली, ठीक है, और प्लस सुरमाई मछली, ये चार मच्छी हैं, चारों मच्छियों की आज वैरायटी चेक करके इंशाल्लाह सैटरडे के प्रोग्राम में दोबारा हाजिर करूंगा। और जो अच्छी लगे तो हमें लाइक जरूर करिएगा। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस फाइनली हम लोग ग्रिल के लिए मछली को बीच से आधा करेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारी मछलियाँ, ये देखें, ये सारी हमारी फिशेज है, ठीक है। अब हम इसको ग्रिल करेंगे, और ग्रिल करने के लिए इसको फर्स्ट ऑफ ऑल बीच में से इनको आधा किया जाएगा। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ किस तरह मैं कह रहा हूँ। बीच से हम लोग आधा करेंगे, ये देखें, ये देख सकते हैं आप लोग, हाथ बचा के जी फिश को हम लोग बीच में से आपको दिखाता हूँ कि बीच में हड्डी है, काम करते हैं इसको, यहाँ से हम लोग छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, नहीं नहीं फिर से हम लोग, नहीं यहाँ से नहीं होगी कभी भी, छोड़ दो दिन भाई, हाँ छोड़ दो, ये यहाँ से नहीं होगी, अरे हड्डी है ये, पहले करनी चाहिए थी, अब मसाला लग गया है, हड्डी है, खतरनाक काम है इसको, हाथ पे लगेगी छुरी, वही कह रहा हूँ ना, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, एक मिनट एक मिनट, छुरी हमारी काफी हद तक अंदर चली गई है, कर देते हैं, ये तो हो गई हमारी। तो गाइस इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं फिर अपना, जब स्टार्ट करेंगे इसको ग्रिल पे लगाना, फिर आप लोगों से
मजीद बातचीत करेंगे। अभी हम लोग थोड़ा सा बिजी हैं, इसको हाफ करके खोल देंगे हम लोग पूरा। ठीक है गाइस, जब तक आप लोग और ब्लॉग एंजॉय कीजिए। एक सारम मछली लगाइए टेस्ट के लिए, और एक लगाइए, दो मुश्का लगाइए, अभी टेस्ट हो रहा है, उसके बाद इंशाल्लाह दूसरी पॉपलेट भी है, अभी चेक के लिए टेस्ट करेंगे। ये इसको थोड़ा, ये ग्रिल हो रही है मछली है, और इंशाल्लाह खाने में भी और अपने जायके में भी अलग अलग टेस्ट है, अलग अलग फायदेमंद मछली। वैसे भी सर्दी का मौसम है, ठंड में ये खानी चाहिए ना, अच्छी है। और कम से कम डॉक्टर के कहने से 15 दिन में लाजमी है, जरूरी नहीं है, मरीज है कोई भी है, हर बंदा खा सकता है। चलो सही है। कलर ये आप दिखा सकते हैं, कलर दिखाएं, कलर देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा कलर आ रहा है। और ये हमारी मज़ीद अभी हमारी काफ़ी फिश और है जो कि हमने अभी बनानी है, तो इससे पहले जो बनी थी वो हमने टेस्ट की थी, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट था उसका। तो चलें आगे देखते रहें ब्लॉग में मज़ीद, इंशाल्लाह फिर टेस्ट करके आपको, और हमारी इमली की चटनी भी रेडी हो गई है, तो हम लोग जब टेस्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करेंगे अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारा कैसा रहा है। बड़ा ज़बरदस्त माशाल्लाह से। हाँ चलो गुड हो गया, सही। ये शादी आ गया, मेरे बेटे को उठाया हुआ, और बाकी चलें वीडियो एंजॉय करें जब तक आप लोग। गाइस फाइनली हमारी फिश तैयार हो गई है, और ये हमारी फिश है, और हम रिव्यू अपना करते हैं, फिश खाते हैं और आप लोगों को रिव्यू देते हैं इंशाल्लाह फिश बनी कैसी है। आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए फिश का कलर देख सकते हैं आप लोग, ये इमली की चटनी है, और ये हमारी दूसरी फिश है, ये चपाती है, और इंशाल्लाह भी आपको रिव्यू देते हैं 5 से 7 मिनट में, जब तक वेट कीजिए। तो गाइस फाइनली रिव्यू देने का टाइम आ गया है, और हम फिश खाते हैं और आप लोगों को इंशाल्लाह रिव्यू देते हैं कि हमारी फिश कैसी बनी है, प्लस ये हमारी इमली की चटनी है। इमली की चटनी भी अच्छी बनी है, और हमारी फिश भी अच्छी बनी है, जो बात है। चले गाइस अब भूख लग रही है, हम लोग भी खाना खाते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। तो जब तक के लिए अगले ब्लॉग के लिए इजाज़त चाहते हैं, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।